हमारे बहुत से साथी हर साल जितने हमारी कारगिल युद्ध में या फील्ड एरिया में इंसर्जेंसी एरिया में इनमें शहीद हुए हैं, उससे ज्यादा हर साल सुसाइड कर लेते हैं हमारे जवान इसी सिस्टम की वजह से, सेना की तरफ से या पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से। अधिकारी घोषणा करते हैं अफसर और लिखित में लेटर जारी करते हैं तो हम आपकी बात से सहमत होकर इस पर विचार करेंगे, अन्यथा लड़ाई जारी है और रहेगी। मैं फिर बताता हूं कि सहायक सिस्टम खत्म होगा, जरूर खत्म होगा, क्योंकि ये हमारी वर्दी पर दाग है। इससे हमारी सेना कमजोर हो रही है। जिस दिन लड़ाई होगी पता चलेगा कि ये जो 50% ये कहते हैं ना कि 50% फौज इसमें लगी है, तो क्या ये लड़ाई में कुत्ते घुमाएंगे या बूट पॉलिश करते रह जाएंगे, क्योंकि इनकी सारी की सारी जिंदगी पूरी सर्विस इसी सिस्टम में बूट पॉलिश करते हुए कट जाती है। इनको ये पता नहीं कि हथियार कौन सा आ रहा है सेना में, ये इक्विपमेंट क्या काम करता है, ये टर्निंग से ही पकड़ लिए जाते हैं और टर्निंग के बाद से ये इस तरह का काम में लग जाते हैं। सेना कमजोर हो रही है, आर्थिक नुकसान आज देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या किसी टाटा बिरला के पास नहीं होंगे जो 60-70 हज़ार रुपए लेके सिर्फ झाड़ू पोछा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे अधिकारी इनके पास नीचे से लगाकर ऊपर तक, एक से लगाकर 2, 4, 5, 10, 10 लोग तक इनके घरों में काम कर रहे हैं सिर्फ नौकरों का। इसलिए इस बार आर या पार लड़ाई होगी कोर्ट के जरिए धरने से, अन्यथा तीसरा जरिया समय आने पर बता दिया जाएगा। वीडियो देख, कुछ एक अफसरों के, कुछ एक जवान भी शामिल है उसमें, कुछ ऑफिसर्स भी हैं। उनके पॉइंट आया और उन्होंने कहा कि तू कितना भी चिल्ला ले ये जवान तेरा साथ नहीं देंगे, 90% जवान इसी बूट पुलिस में खुश हैं क्योंकि वो ग्राउंड में ड्यूटी नहीं करना चाहते बूट पुलिस की और आराम करे, उनको आदत करने पड़ गई है, वो तेरे साथ नहीं आएंगे, तू कितना भी अकाउंट नंबर दे तेरे को पैसा नहीं देंगे। तो उन अफसरों के और उन गद्दारों के मुंह पर तमाचा मारते हुए मैं वादा करता हूं, रविंद्र सिंह शेखावत एक राजपूत भी हूं और एक सैनिक भी, जबान जो दे दी मैंने, बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो मैंने कह दिया, इसी अगस्त में सहायक सिस्टम के खिलाफ याचिका दायर कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इसके लिए जवान पैसे देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो ठीक, मैंने मेरी पेंशन से 7 लाख रुपए लोन निकाला है इसी अकाउंट से, जो ये आप अकाउंट देख रहे हो ना, बहुत से लोग कहते हैं कि अकाउंट नंबर देता है रविंद्र फौजी, या ये अफसर कहते हैं कि तुझे पैसा नहीं देंगे, दें या नहीं दें इसी अकाउंट से मैंने 7 लाख रुपए निकाले हैं। ये कोई आज की तैयारी नहीं है कि मैंने आज वीडियो बनाया और मैं सिर उठाकर चल दिया और पैसे मांग लिया तो हो गया। कुछ लोगों ने दिए हैं उनके धन्यवाद। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल दे रहा हूं कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे। हाँ ये जरूर कह दिया कि कोई दे या ना दे, सुप्रीम कोर्ट में अगस्त में याचिका लग जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, जिनको हमारी बातें सही लगती हैं वो वीडियो देखें, पूरा देखें और शेयर जरूर करें। सबसे पहले आपको पता होगा कि हम कुछ दिन से तैयारी कर रहे हैं सेना में सहायक सिस्टम खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने की। तो उस विषय में मैं आज आपसे कुछ पॉइंटों पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो देखकर हमें सुझाव दें कि हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट हमारे से कुछ सवाल जवाब करेगा कि ये सहायक प्रथा क्यों बंद होनी चाहिए, कितने लोग चाहते हैं कि ये सहायक प्रथा बंद हो, इससे क्या क्या सेना में फर्क पड़ रहे हैं। तो कुछ एक पॉइंट तो मैंने तैयार किए हैं, मैं चाहता हूं हो सकता है मैं, मेरे से अलावा आप लोगों को भी कुछ इसमें नॉलेज हो तो ज्यादा पॉइंट दें। इसी वीडियो में कुछ एक खास पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, मैं लगातार ट्विटर पर भी डालता रहता हूं कि इसी सिस्टम की वजह से हमारी सेना कमजोर हो रही है, क्योंकि 50% जो जवान ये बताते हैं इन्हीं के बूट पॉलिश में और ये जो झाड़ू पोछा में लगे हुए हैं, वो जवान कभी भी किसी इक्विप टर्निंग में या किसी भी चीज में शामिल नहीं होते, क्योंकि टर्निंग से ही उनको पकड़ लिया जाता है,
और वो पूरी जिंदगी इसी में काट देते हैं, वो कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और वो आगे बाकी चर्चा इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, हमारे जवान जितने कारगिल में और इंसर्जेंसी एरिया में दुश्मन की गोली से शहीद नहीं होते, उससे ज्यादा जवान हर साल सुसाइड कर लेते हैं इसी सिस्टम की वजह से, तंग आकर, इनके शोषण की वजह से, हीन भावना से और डिप्रेशन में आकर हमारे जवान सुसाइड कर रहे हैं हर साल। हमारे जवान 15 साल में ही नौकरी छोड़कर भागना चाहते हैं। क्यों? इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़कर भागना चाहते हैं? और भी इसी सिस्टम की वजह से, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। और भी बहुत से पॉइंट हैं, मेरी वजह तरफ से जितने पॉइंट हैं मैं इसमें लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे अलावा मेरे भी दिमाग में हो तो वो पॉइंट आप कमेंट्स में दें, बाकी वीडियो में चर्चा पूरी करी। को भी कुछ इसमें नॉलेज हो तो ज्यादा पॉइंट दें। यहां सबसे पहले बता दूं कि अभी तक हमारा जो विचार था कि सहायक प्रथा जो सेना में है, हम सेना के लिए याचिका लगा रहे थे, लेकिन कुछ एक लोगों के जो पॉइंट आए हमारे पास, हमारे से BSF, CRPF, पैरामिलिट्री फोर्स के भी बहुत से जवान जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी मेरे पास कहा कि सर आप हमारी तरफ से भी एक याचिका दायर करो, यानी ये सेना के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स का भी मुद्दा लो, क्योंकि वहां भी जवानों से सेम ही, वहां भी सहायक प्रथा चालू है। अब इस विषय में चर्चा करने से पहले मैं एक मेन बात है जो आप लोगों से कह देता हूं, और उस मेन के साथ साथ देश का ध्यान भी इस बात पर, खास बात पर कहना चाहता हूं। सबसे पहले जितने हमारे जवान हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं है कि सहायक प्रथा क्या है, लेकिन कुछ सिविल बंदे भी देखते हैं, उन्हें पता ही नहीं सहायक प्रथा। तो सबसे पहले बता देता हूं कि पहले अंग्रेज अफसर होते थे और जवान भारतीय। तो हमारे जो अंग्रेज अफसर थे वो जवानों को अपना गुलाम समझते थे और जवानों से पर्सनल काम, नौकर की तरह अपने घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, बूट पॉलिश, यानी जो सर्वेंट काम करता है वो जवान से काम करवाते थे। और सेम उसी तर्ज पे आज भी ये हमारे जो अधिकारी हैं अपने आप को अंग्रेज समझते हैं और जवानों को आज भी गुलाम समझते हैं, और ये सारे के सारे काम करवा रहे हैं। इसके खिलाफ मैंने 2017 में भी धरना दिया था, और भी बहुत सी कोशिशें की हैं, कुछ लोग और भी कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, खाली नाम चेंज कर दिया, सहायक, पहले हेल्पर था फिर सहायक कर दिया, अब बड़ी सिस्टम कर दिया, लेकिन काम आज भी वही कराए जा रहे हैं। इस विषय पर और भी लंबी चर्चा होगी, उससे पहले एक मैं जैसे बता रहा था कि एक मेन पॉइंट, और यहां सबसे पहले मेन पॉइंट तो ये बता देता हूं कि इसी अगस्त में मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सहायक प्रथा के ऊपर याचिका दायर करूंगा, कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो, अगस्त में, इसी अगस्त में याचिका दायर होगी और 100% होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि कुछ लोगों के फोन आ रहे हैं, कुछ लोगों के अफसरों के रेशियोज भी शामिल हैं, और यहां तक कि कुछ जवान भी शामिल हैं जिन्होंने मुझे ये कहा है कि तू कितने भी वीडियो बना ले, कितने भी अकाउंट नंबर दे ले, कि तेरे को ना तो कोई जवान पैसे देंगे, और ये जवान 90%, वो कहते हैं कि 90% तेरे जवान इसी काम में खुश हैं, और खासकर बोलते हैं कि आज के जो ये लड़के आ रहे हैं इनसे काम दाम तो होता नहीं है, और ये खुद जाते हैं इस तरह के, क्यों ग्राउंड में इनसे ड्यूटी होती नहीं, बोले ये खुद करते हैं। मैंने उनसे इस बात का खास जवाब दिया है, आप चाहो तो मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है, जब भी ये मसला हल होगा उसके बाद मैं उन लोगों की रिकॉर्डिंग भी डालूंगा और उनके मुंह पे तमाचा भी मारूंगा। मैंने ये कहा है कि मैं मानता हूं कि सिर्फ 10% जवान, 10% जवान हो सकता है कि वॉलेंटियर जा रहे हो, लेकिन 90% जवानों से मजबूरी में ये काम कराया जाता है। कुछ प्रेशर डालकर, कुछ को नौकरी से निकालने की धमकी डालकर, मेरा ये मानना है। अब बाकी तो बात आप लोग बताओगे कि कौन सही है। यहां एक मेन पॉइंट और बता देता हूं कि ये चैनल मैंने, और ये काम करने के लिए मैंने रिटायरमेंट से 5 साल मेरे को हो गई, 5 साल इस पर तैयारी करते हुए, और 5 साल में अब खासकर कुछ एक महीनों में मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। और मैंने आपको एक बात और बता दूं कि मैंने मेरी पेंशन से, पेंशन के ऊपर जो ये अकाउंट नंबर, ये आज फिर मैं ये अकाउंट नंबर भी दिखा रहा हूं आपको, ये अकाउंट नंबर, इसी अकाउंट से 7 लाख रुपए निकाले हैं इसी सिस्टम के खिलाफ याचिका तैयार करने के लिए। तो ये पहला उन अफसरों के लिए, और उन जो भी जवान या अफसर जो भी हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा,
तो मैं रविंद्र फौजी छाती ठोक कर कहता हूँ कि जवान पैसा दें या नहीं दें, मैं मेरे फंड से पेंशन से लोन निकाल कर यह याचिका दायर करूंगा, 100% करूंगा। आप जो अकाउंट नंबर देख रहे हैं इससे मैंने निकाला है और याचिका 100% होगी, ये उन लोगों के लिए है। दूसरी बात, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब से मैंने फंड निकाला था, मेरे कुछ दोस्तों से मैंने चर्चा भी की थी कि हम ये चीज करेंगे। कुछ लोगों ने मैंने जैसे बताया कि पैसा दिया भी है, और ये अकाउंट नंबर मैंने उसके बाद से डालना शुरू किया है, क्योंकि कुछ लोगों ने जो मेन पॉइंट उठाया कि सर आप अकेला इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, और ये मैंने पहले ही बता दिया कि मैं भी एक सिंपल जवान हूँ। मेरे फादर भी आर्मी में थे, मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में, और मैं ये भी कहा था कि मेरा बच्चा भी आर्मी में जाएगा। बहुत से लोगों के, यहाँ मैं भी बता देता हूँ कि बहुत से लोगों के फोन आते हैं, यहाँ तक कि एक लेडीज का उसका रिकॉर्डिंग दिखाऊं, उसने कहा कि मेरे एक ही लड़का है और मैं चाहती हूँ कि इसको आर्मी में भर्ती करूँ, लेकिन जब मैं आपके वीडियो देखती हूँ कि इतने लोगों को ये अफसर परेशान करते हैं, इतने लोग इसी अफसर, यहाँ एक पॉइंट और बता दूं कि इसी सहायक प्रथा की वजह से हमारे कितने जवान सुसाइड करते हैं, जितने लोग हमारे कारगिल के युद्ध में नहीं मरे, जितने मुठभेड़ में नहीं मरते, उससे ज्यादा इन अफसरों की तानाशाही और इनके शोषण की वजह से हर साल जवान मरते हैं। इसका किसी भी मतलब देशवासी को इस ओर ध्यान नहीं है कि कितने लोग सिर्फ हमारे इन्हीं की यातनाओं से, इन्हीं के शोषण की वजह से मर जाते हैं, और उसमें मेन पॉइंट है ये सहायक प्रथा। अगर सहायक प्रथा बंद होगी तो उसके साथ जुड़े हुए छुट्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसी से जुड़े हुए जो मानसिक तनाव झेल रहे जवान, वो कम होंगे। तो ये चीजों पर चर्चा के साथ साथ, पहले जैसे मैंने बताया था कि अकाउंट नंबर में क्यों देता हूं, आज भी दे रहा हूं, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा जो फोन नंबर है, अकाउंट नंबर, फोन नंबर मेरा 8290354513, 8290354513। ये जो नंबर है ये मेरा फोन पे से जुड़ा हुआ है, गूगल पे से जुड़ा है, पेटीएम, यानी किसी भी आप सोशल नेटवर्क से करेंगे डायरेक्ट मेरे पास पैसे आ जाएंगे। जो अकाउंट नंबर से करना चाहता है, ये अकाउंट नंबर है, SBI का अकाउंट दिया हुआ है, नाम रविंद्र सिंह आप लिख सकते हो, और उसी से ये पैसा मेरे पास आ जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपका नाम पता नहीं, तो वैसे तो मेरा जो प्रसिद्ध नाम रविंद्र फौजी है, लेकिन वैसे रविंद्र सिंह है, आप रविंद्र सिंह या रविंद्र सिंह शेखावत तो इसमें नाम डाल सकते हो। इसका देने का मकसद भी मैं पहले बता चुका हूं कि बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई पैसा आएगा तो ही ये काम होगा, मैंने पहले बता दिया कि पैसे मेरे पास हैं और ये काम होगा। जिन लोगों ने दिए हैं, 85,085,000 लोग आया है, उन लोगों का मैं फिर कहता हूँ कि मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैंने उस दिन भी बताया था कि कोर्ट में हमारे साथ पास जो सवाल जवाब होंगे, और जैसे ये बोलते हैं कि 90% राजी नहीं है, तो इसमें सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग हैं। हम कोर्ट के सामने भी खड़े होकर कह सकते हैं कि मेरे साथ साथ ये इतने लोगों ने मुझे दिया है, तो इतने लोग हमारे साथ हैं, यानी हमें एक मुंह पे इनके तमाचा मारना है कि इतने लोग हमारे साथ हैं, तो ये आप लोगों के हाथ में है। मैंने उस दिन भी कहा था, एक स्टूडेंट ने जिसके पास 28 से कितने रुपए थे, उसने 21 रुपए भेजे, एक ने 50 रुपए भेजे, एक स्टूडेंट ने 100 रुपए भेजे, यानी वो भी कह रहे हैं कि सर आप जो लड़ाई लड़ रहे हो ये हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हो, कि हम भी कल ना फौज में जाएंगे और हमें ऐसी यात्राएं नहीं झेलनी पड़े, उसके लिए लड़ रहे हो तो हम भी सहयोग देंगे। तो इसी तरह हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूँ, चाहे ऑन ड्यूटी जवान हो, चाहे रिटायरमेंट जवान हो, आप भी मेरी तरफ से, चाहे आप 1 रुपया डालो, चाहे 50, 100, 500, 1000 या उससे ज्यादा, जिसकी जितनी हैसियत, बहुत से लोग कहते हैं कितना डालें, जितनी आपकी हिम्मत है, जितना आप चाहते हो कि मैं इतना कटिंग कर सकता हूँ मेरे उससे बचा कर, उतना दो, और इससे कोर्ट में हम दिखा सकें कि इतने लोग हमारे साथ हैं, और इनको भी दिखा सकूं, ये हंसते हैं अभी कि करता रहे कुछ नहीं होगा, ये 90% मतलब जवान तेरे को कुछ नहीं देने वाले, और ये खुद ही मतलब इसमें खुश है। तो मैं इस चीज से दोनों चीजें देखना चाहता हूं कि कितने लोग खुश हैं और कितने हमारे साथ हैं। आप चाहे एक ही डालो, लेकिन मुझे लगना चाहिए 1 रुपये भी आ रहा है, इतने लोग हमारे साथ हैं, इसलिए मैं अकाउंट नंबर देता हूं। वरना मैं, मेरी, मैंने जो बेड़ा उठाया है, मैंने फिर कह दिया कि मेरी पेंशन से निकाला हुआ 7 लाख रुपया मैं पूरा एक पूरा इसमें लगा सकता हूँ, मैं साधारण परिवार से हूँ, मैं मेरी जो पेंशन आती रहेगी मैं उसमें भी खुश हूँ और आगे भी खुश रहूंगा, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बात, मैंने एक पॉइंट और बताया था, जहां कि वो एक कुछ लोगों के फोन आता है कि आपके वीडियो से, महिला ने जो फोन किया था कि सर
हमारा एक लड़का था और मैं उसे भेजना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर देश के नाम पर मेरा लड़का शहीद हो, अगर मेरा लड़का देश के नाम पर शहीद हो तो मुझे खुशी होगी, लेकिन इन अधिकारियों के शोषण की वजह से या इनकी तानाशाही से अगर मेरा लड़का आत्महत्या करके मर गया तो मैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बोले मैं मेरे लड़के को नहीं भेजूंगी। बहुत से ऐसे फोन आते हैं, लेकिन मैंने फिर कहा आप भेजो सेना में, क्योंकि सेना खराब नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि रविंद्र फौजी सेना पे सवाल, भारतीय सेना खराब नहीं है, देश की आन बान शान है हमारी सेना, और सेना की नौकरी आप मतलब सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया नौकरी है। सेना में बैठे कुछ एक गद्दार अफसर, मैं फिर कहता हूँ कि सारे अफसर खराब नहीं है, बहुत से अच्छे भी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी होंगे, हैं, लेकिन कुछ एक हरामखोर, और खासकर इस सहायक सिस्टम पे तो जैसा मैंने बताया एक पॉइंट कि पहले भी मैंने धरना दिया था, तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस जो अभी CDS बनकर बैठे हैं बिपिन रावत जी, ये उस समय आर्मी चीफ थे, और इन्होंने कहा था कि आप धरना खत्म करो और ये सहायक सिस्टम हम बंद कर देंगे जल्दी ही। इन्होंने बस उसका नाम चेंज कर दिया और आज भी ये चल रहा है। इसी तरह आज फिर मैंने जैसे इस वीडियो में कहा था कि अगस्त में मैं ये सहायक सिस्टम के खिलाफ राय याचिका दायर कर रहा हूँ, अगर इससे पहले हमारी सेना कहती है तो हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन पहले की तरह नाटक करके नहीं कि कह दिया और आज ये बिपिन रावत जी जाकर CDS चीफ बनकर बैठे हैं और ये भूल गए कुछ नहीं हुआ। इनको लगता है कि जवान इस तरह बार बार ये करते रहेंगे और हम बार बार इनको ऐसे ही मौका देकर ये लेते रहेंगे। अब की बार या तो लिखित में हमें तुरंत लिखित में सेना लिख कर दे, पूरे यूनिटों में आदेश जारी करे कि हाँ ये बंद होगा और इस प्रकार इसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो उस अफसर के खिलाफ भी उस जवान के खिलाफ भी दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी बात, मैंने एक पॉइंट और बताया था जहां कि वो एक कुछ लोगों के फोन आता है कि आपके वीडियो से, महिला ने जो फोन किया था कि सर हमारा एक लड़का था और मैं उसे भेजना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर देश के नाम पर मेरा लड़का शहीद हो, अगर मेरा लड़का देश के नाम पर शहीद हो तो मुझे खुशी होगी, लेकिन इन अधिकारियों के शोषण की वजह से या इनकी तानाशाही से अगर मेरा लड़का आत्महत्या करके मर गया तो मैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बोले मैं मेरे लड़के को नहीं भेजूंगी। बहुत से ऐसे फोन आते हैं, लेकिन मैंने फिर कहा आप भेजो सेना में, क्योंकि सेना खराब नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि रविंद्र फौजी सेना पे सवाल, भारतीय सेना खराब नहीं है, देश की आन बान शान है हमारी सेना, और सेना की नौकरी आप मतलब सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया नौकरी है। सेना में बैठे कुछ एक गद्दार अफसर, मैं फिर कहता हूँ कि सारे अफसर खराब नहीं है, बहुत से अच्छे भी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी होंगे, हैं, लेकिन कुछ एक हरामखोर, और खासकर इस सहायक सिस्टम पे तो अगर कोई भी एक अफसर भी खड़ा होकर बोल दे ऐसे, तो हमारे पास पर्सनल फोन तो जरूर आते हैं कि वास्तव में यार ये गलत है, लेकिन सामने आकर बोले तो उसको मैं बिग सल्यूट करूंगा और फिर निवेदन करता हूं कि ये सहायक सिस्टम इसी अगस्त में लगाने से पहले सेना की तरफ से अगर कुछ चीजें आती है कि हम बंद कर देंगे तो मैं इस चीज को रोक सकता हूं, क्योंकि 2017 में मैंने धरना दिया था, यही जो विपिन रावत आज CST चीफ बने बैठे हैं इन्होंने खुद कहा था कि सहायक प्रथा हम जल्दी ही बंद कर देंगे, और बाद में अपना चीफ का कार्यकाल खत्म करके आज CSD बन के बैठे हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, मुझे कहने की जरूरत नहीं, पूरी जनता जानती है, अपने प्रॉफिट के लिए इन्होंने फौज को पीछे धकेला है। रही बात सहायक सिस्टम के ऊपर, मैंने लगातार ट्विटर के माध्यम से भी, मेरा जो ट्विटर का अकाउंट भी मैंने डालता हूँ उसमें भी डालता हूँ कि हमारी सेना कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, टर्निंग के समय से ही जवान को इस सहायक सिस्टम में धकेल दिया जाता है और उसकी करीबन पूरी की पूरी सर्विस बूट पॉलिश, पित्तल पॉलिश और झाड़ू पोछे में निकल जाती है। वो जवान कभी देश के लिए ड्यूटी करेगा? कभी नहीं ड्यूटी करेगा। अगर उसको किसी दिन ड्यूटी पे लगा दिया भी गया तो वो या तो खुद भी मरेगा और बाकियों को भी मरवा देगा, जिसको हथियार चलाने का ज्ञान ही नहीं है, जिसे ये भी पता नहीं है LMG क्या है, ये पता नहीं है कि किस तरह ये चीजें यूज करनी है, इक्विपमेंट का क्या करना है, वो कहाँ से लड़ाई लड़ेगा। एक दिन मेरी एक अफसर से बहस हो रही थी, यार कुछ एक लोग है, कुछ एक नहीं है, 60% लोगों को ये अपने निजी काम में लगाकर बैठे हैं, और वो 60% क्या देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे? दूसरा, मैं देश का ध्यान इस ओर इस वजह से आकर्षित करना चाहता हूं कि आज एक जवान मिनिमम 50,000 से लगाकर 60-70,000 तक पेमेंट ले रहा है, और उस 70,000 पेमेंट वाला इन्होंने नौकर बनाकर रखा है। आज एक बंदे ने पॉइंट दिया था बहुत अच्छा कि
कि एक प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास, या मेरे हिसाब से टाटा बिरला के पास भी नहीं होंगे, जिसको कि 70,000 रुपये मिलता हो और वो सिर्फ झाड़ू पोछा और ऐसे कुत्ते घुमाने जैसा काम कर रहा हूं। और यहाँ एक सड़क लेफ्टिनेंट से लगाकर मेजर कर्नल तक दो दो तीन तीन आदमी, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाएगी चार चार पांच पांच आदमी, एक कर्नल अगर बिनोड से चला गया तो दो ले गया, जहां कमांड कर रहे हैं वहां रखा हुआ है। यहाँ तक कि एक दिन आसाम राइफल से फोन आया था, सर कि आपके कोई कर्नल थे उनकी यूनिट से भी आ रखे हैं और यहां से भी ले रखे हैं, यानी पांच आदमी लेके बैठे हैं। इतना इतना आज अगर चाहोगे कि सियोल में कोई टाटा बिरला नहीं रखता होगा, कोई सियोल में कोई बड़ा अधिकारी, बोलते हैं कि RS अधिकारी में, बताओ कोई अधिकारी इतना नहीं रखता होगा। और शायद ही कोई पेमेंट के भी इतने इतने बड़े नौकर जिसको 70,000 80,000 रुपये सा खाली बूट पॉलिश इसके देता होगा। देश का आर्थिक नुकसान है, देश की सेना कमजोर हो रही है, और जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन पता चलेगा। इसी सिस्टम में जैसे हमारे कई लोगों ने RTI लगाई है, आपको पहले भी बता चुका हूं कि जितने लोग हमारे कारगिल की लड़ाई में या हमारे जो RR वगैरह में जो ऑपरेशन होते हैं उनमें नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा जवान हमारे यहाँ इस सिस्टम के कारण आत्महत्या, सुसाइड कर कर मर जाते हैं। क्योंकि इस सिस्टम की वजह से 60% नौकरी इनके पास होगी। जब भी जवान छुट्टी मांगता है, बोले यार वर्कलोड बहुत ज्यादा है। वर्कलोड क्या है? वर्कलोड घंटा है, क्योंकि CEO साहब को पांच आदमी चाहिए, एक ड्राइवर अलग से चाहिए, मैडम की जिप्सी में ड्राइवर चाहिए, कुत्ते को घुमाने के लिए चाहिए, फिर उन हेल्परों को खाना पहुंचाने के लिए अलग चाहिए। 60% जहां पार्टी चल रही है, फलाना चल रही है, उसके अंदर इनकी वेटर बने हुए जवान वर्दी में घूम रहे हैं। तो देश की क्यों पूरी सभी राजनेताओं ने आंख अंधी करके बैठे हो क्या? बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसके लेकर हम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। मेरी तरफ से जो मुद्दे थे मैं लगभग बता चुका हूं, आपकी तरफ से मैं फिर कह रहा हूं बीच में, यहां आप तरफ से जो भी सुझाव है कि हम एक कोर्ट में ये किस वजह से लगाए, इसको क्या है, वो आप कमेंट्स में बताए ताकि हम उसमें मेंशन कर कर कोर्ट के सामने दिखा सके। और एक जितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं ये भी हम कोर्ट के सामने और वीडियो में जिस दिन कहूंगा कि आज इतने लोगों ने भेजे और इतने मेरे साथ हैं तो इनके तमाचा भी मार सके। तो ये कुछ एक पॉइंट है, इन पर गौर करें। फिर कहता हूं देश की सेना कमजोर हो रही है, सिस्टम में किसी ने दिन किसी बड़ी लड़ाई में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सुसाइड, जवान सुसाइड करते जा रहे हैं, और 60% जब इनके पर्सनल वर्क खत्म हो जाएंगे तो जवान आराम से छुट्टी काटेंगे, कोई जवानों को टेंशन नहीं होगी। ये भेदभाव जो इन्होंने बना रखा है ना, जो बोलते हैं ना सिविल में तो ऊंच नीच का है, यहाँ अगर जवान इनके हाथ का, मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि अफसर बैस में कि एक जवान ने गिलास में पानी पी लिया था, इस गिलास को फोड़ दिया था इन्होंने। इतना बड़ा एक लेफ्टिनेंट कर्नल का लड़का एक हवलदार का गिरेबान पकड़ लेता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जवानों की इज्जत क्या है। वो कहते हैं कि तुम्हारे कितने जवान, तुम्हारे जैसे हवलदार तो जब बने हो जब हमारे माँ घरों में झाड़ू पोछा और बूट पॉलिश करते हो, इज्जत नहीं है जवानों की। मैं हमारे पूरे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी हैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिस्टम को बंद कर दें। सेना से भी मैं कहना चाहता हूं, ये अगस्त का समय है, वरना हम इसी अगस्त में ये सहायक सिस्टम का लगाएंगे, फिर कहोगे कि सेना के खिलाफ लगाया फलाना। सामना तो सेना के खिलाफ है, हम उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हैं जो इस तरह का जवानों से यूज करते हैं। और एक खास पॉइंट, जब भी मैं ये रिट लगाऊंगा उससे पहले मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना दे दूंगा, नंबर के माध्यम से भी। मैं चाहता हूं कि ये इस समय जो लॉकडाउन की परिस्थिति है, ज्यादा नहीं आना, मतलब इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक बंदे जो खासकर दिल्ली के अंदर है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में हमारा साथ दें ताकि हम मीडिया कॉन्फ्रेंस करके उसको भी दिखा सकें कि इतने लोग हम आए हैं। बाकी जो भी डिटेल होगी, कुछ भूल गए होंगे तो अगली वीडियो में मेंशन करेंगे। और एक बार फिर आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।